हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? और कैसे हैं आपका जवाब किसी एक ने दिया है कल? बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेरा बात के लिए आपने समझा और मुझे जवाब दिया। कल के व्लॉग का मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है। ऐसे ही मिलता रहे बस आप लोगों की वजह से। बहुत अच्छा लगा कल। देखिए, वीडियो पूरी वॉच किया कीजिए प्लीज़। पूरी वॉच नहीं करते आप, स्क्रिप्ट करके वीडियो वॉच करते हैं। वीडियो पूरी वॉच किया कीजिए। अगर मैं 8 मिनट की वीडियो बनाती हूँ तो कम से कम 5 मिनट की तो कीजिए। 10 मिनट की बनाती हूँ तो कम से कम 6 मिनट तो आप अपने दीजिए मुझे, है ना? तो बस वीडियो करते हैं अपना ब्लॉग शुरू। कल किसी ने कल दो तीन लोगों ने कहा था कि आप प्लीज़ कभी कभी गाना भी सुना दीजिएगा। हाँ तो चलो ठीक है, सुना देंगे। और देखिए, मैं तो एक बात समझती हूँ, मेरी ज़िंदगी, मैं अपनी लाइफ के बारे में बताती हूँ कि मेरी लाइफ इतनी बीत गई, किसी का दिल नहीं दुखाया आज तक। आज तक किसी का दिल मेरे से जान के नहीं दुखाया। अनजाने में दुख गया हो तो मैं कह नहीं सकती। कोशिश यही रही है कि मेरे से किसी का दिल ना दुखे बस। और बच्चों को भी यही सिखाया है कि जान के कभी किसी का दिल मत दुखाना, किसी की आह मत लेना। इतनी इतनी परेशानियां मेरे पे पड़ी हैं और मैंने इतना स्ट्रगल किया है, तब भी मैंने दिल नहीं दुखाया। कोई कुछ भी कहता था। देखिए, जब बिना औरत के आदमी रह सॉरी बिना आदमी के जब औरत रहती है ना, तो उस पर उंगली तो ऐसे करके उठाते हैं, है ना? हर इंसान हर परखना चाहता है उसे कि देखिए कैसी है। मैं गांव में जाती थी, मेरी जॉब गांव में थी। वहां के प्रधान जी की वाइफ कहती थी मुझसे कि अरे बहन जी, शहर जा रही हो? मैंने कही हाँ। अरे ये भी जा रहे हैं शहर, इनके साथ चली जाओ गाड़ी पे। मैं कहती थी नहीं भाभी, मुझे रास्ते में कुछ काम है। पता है क्यों कहती थी? क्योंकि मैं उनकी गाड़ी पे अगर बैठ के जाऊंगी और जब मैं उनकी गाड़ी से उतरूंगी तो 4 जने लोग मुझे देखेंगे। हो सकता है कोई जान पहचान का हो, कोई वो कोई रिश्तेदार हो, कोई हो। बात ये नहीं है कि मैं किसी से डरती थी। बात ये था कि मेरा, मैं जवान थी, बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, मुझे अपना टाइम निकालना था। तो मैं उन भाभी से कहती थी भाभी मुझे कुछ काम है। वो इसलिए कहती थी क्योंकि जो कोई देखेगा मेरे, उनसे रिश्ता भाई का है, मैं बहन हूँ उनकी। वो उन्हें और मुझे पता था लेकिन समाज को नहीं पता था। समाज उंगली उठा देता कि देखा आदमी नहीं है, गाड़ी से आई है उसकी। पता नहीं किसकी गाड़ी थी, किसी को क्या पता कि गांव का प्रधान है, किसी को क्या पता कौन है। तो वो उन्हें और मुझे पता था, किसी को क्या पता कि मेरे धर्म का भाई। लेकिन मैं कभी उनकी गाड़ी से नहीं। इतना वो कहते थे, छोटा सा लड़का होता था उसे गोद में उठाए रहती थी। गांव में कितनी कीचड़ होती थी, कितना कुछ होता था, लेकिन जाती थी गांव। वो प्रधान जी कहते थे अरे इस छोटे से बच्चे को क्यों परेशान करती हो, मत आया करो। मैं हूं तो सही लेकिन नहीं। जब मुझे लगा मैंने उन्हें अपना भाई बना लिया, मुझे लगा कि मैं अकेली हूँ यहाँ, लोग मुझे परेशान करेंगे, तो मैंने गांव के प्रधान जो था उनकी मैंने टीका किया, राखी बांधी, उन्हें भाई बनाया। और आज तक मेरा रिश्ता है। मेरी सर्विस 97 में लगी थी, आप लगा लीजिए। मेरी बेटी की शादी अभी 11 दिसंबर की हुई है, पिछले साल 2021 में। वो सब परिवार मेरे यहाँ शादी में आया था, समझ लीजिए। आज भी वैसा ही रिश्ता है। देखिए, रिश्ते बना तो लेता है इंसान, निभाने बहुत मुश्किल होते हैं। आज भी मेरा रिश्ता ऐसे ही है। और मैं 2007 में मेरा ट्रांसफ़र हो गया, करा लिया था मैंने शहर में। थोड़ा सा मैं संभली, जैसे जैसे संभली, जैसे जैसे थोड़े बच्चे बड़े हुए, मैंने 2007 में ट्रांसफ़र कराया। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद मैंने ट्रांसफ़र कराया। बताया नहीं उन्हें, भाई साहब को क्यों नहीं बताया, प्रधान जी को? क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोर्स लगवा के, या सोचते पता नहीं क्यों, या कह के, या मुझे ही कहते अरे बहन जी क्यों जा रही हो, ऐसा है वैसा है। वो अपने बच्चों को भी ट्यूशन पढ़वाते थे मुझसे, है ना? मैंने ट्रांसफ़र करा लिया, अपना यहाँ आ गई। आज भी मेरे उनसे संबंध, वक्त खराब होता है, उस खराब वक्त में बहुत हिसाब से एक एक कदम संभाल के चलना पड़ता है। देखिए वही आ गई ना बात, कोई टूट के बिखर जाता है, कोई तप के निखर जाता है।
मैं बिखरी नहीं, मैंने अपने को संभाला, मैं बिल्कुल नहीं बिखरी। ज़िंदगी में बताने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, सब बताऊंगी, वक्त नहीं आया, अभी टाइम नहीं आया। मैं सब बताऊंगी आपको कैसे मैंने ज़िंदगी काटी, बहुत कठिन ज़िंदगी काटी, मगर आज मैं सेटिस्फाई क्यों हूँ। मैं सेटिस्फाई इसलिए हूँ क्योंकि आज बच्चे कामयाब हैं, बस। बहुत सख्ती में बच्चे पाले हैं मैंने, बहुत सख्ती में। अगर मेरे बच्चे कहीं को किसी ने मारा है ना, तो मेरे बच्चे डरते हुए आए हैं कि मेरी मम्मी भी मुझे मारेंगी, इसलिए कि मेरी मम्मी ये नहीं कहेंगी कि उसकी गलती थी, मेरी मम्मी कहेंगी कि तुमने भी कुछ करा होगा। हाँ, आज मेरे बेटे की बेटी है ना, मैं नहीं कहती उसे, बेटी भी ये कहती है इसे ऐसा मत बनाना जैसे हमें बनाया। हमारे बच्चे कैसे हैं, हमारे बच्चे ऐसे हैं दयालु प्रवृत्ति के, हर किसी का साथ देने वाले, हर किसी को की बात सुनने वाले मेरे बच्चे। तो बस कट गया टाइम, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा न हो, बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलकर जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो। ऑडियंस को कह रही हूँ, मिलकर जुदा न हो, मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि जमीन से कभी आसमां मिल गया, कि जहां मिल गया। तुम भी तो खोए खोए, मैं भी जुदा जुदा, तुम भी तो खोए खोए, मैं भी जुदा जुदा, बुझा बुझा वो अजनबी जमाना, अपना कोई न था, वो अजनबी जमाना, अपना कोई न था। दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा, एक नई जिंदगी का निशान मिल गया, के जहां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है के जहां मिल गया। ओके बाय, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको एक अच्छी वीडियो के साथ। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने आपसे कहा है प्लीज़ मुझे 3 के तक पहुँचा दो। ओके बाय।